कादरी क्या कह रहा था, कफन लहरा रहा था, मैं कफन साथ लाया हूँ, मैं कफन साथ लाया हूँ, मैं गुसल करके आया हूँ, शहादत के लिए तैयार होके आया हूँ। अब जाएंगे पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा करेंगे, और अगर मैं शहीद हो जाऊं मुझे लाहौर न ले जाना, पार्लियामेंट हाउस के सामने मेरी कब्र बनाना। जब वो निकले उनके मुरीद भी निकले, मुरीदनियां भी निकली, पुलिस वालों से गलती हो गई, आंसू गैस के चंद गोले फेंके, हजरत साहब जो भागे 3 दिन कंटेनर से बाहर नहीं निकल रहे थे। सदके जाऊं तेरी जुरत पर, तेरी हिम्मत पर, तेरी बहादुरी पर, कहते शेखुल इस्लाम है, उसको इतना पता नहीं कि शहीद को कफन नहीं दिया जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद जो अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करता है उसको उसी कपड़ों में दफन करो जिसने उसने जामे शहादत दोष किया है। हुजूर ने फरमाया कियामत के दिन जब शहादा उठेंगे तो उनके जिस्मों से, उनके कपड़ों से ताजा खून रसेगा, लौनुहु लौनु दमिन व रीहुहु रीह मिस्किन। हमारे आका ने फरमाया उस खून का रंग तो खून जैसा होगा लेकिन शहादा के खून में जो खुशबू होगी वो मुश्क और अंबर से ज्यादा होगी। हम वादा करते हैं आज के इस अजीम इज्तिमा में कि हम इन बनारसी ठगों का पीछा करेंगे। मैं इंशाअल्लाह का लफ्ज सुनना चाहता हूं, सारे मिलके बोले, हमारी शराफत को बुजदली से ताबीर न किया जाए। हम है खामोश कि पर हम न हो आलम का निजाम, ये समझते हैं कि हमें ताकत फरजाद नहीं। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब तख्त उछाले जाएंगे।